हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड 4 सब्जेक्ट मैथ्स एक्सरसाइज 6.1 सम क्वेश्चन नंबर बी सम नंबर 6। एक्सरसाइज 6.1 का सम नंबर ए फिल इन द ब्लैंक्स, बी के 1 to 5 को सम ने कर दिए हैं कंप्लीट। तो आज हम वो क्वेश्चन नंबर ए है फिल इन द ब्लैंक्स, वो मैं आपको रिपीट कराऊंगी और फिर क्वेश्चन नंबर बी का 6 करेंगे। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट पॉइंट कंटेंट, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट है 34 डिवाइड बाय 34, तो 34 वन सा 34, तो क्या आंसर आएगा 1। सबसे फर्स्ट का आंसर आएगा 1, ठीक है। सेकंड है 0 डिवाइडेड बाय 9, तो आप 0 के साथ डिवाइड करने का रूल मालूम है सबको कि 0 के साथ डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा 0। तो ये हो गया 2। ऑप्शन नंबर 3 एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर ए फिल इन द ब्लैंक्स नंबर 3 125 डिवाइडेड बाय 1, तो यहाँ क्या आंसर आएगा 125 आंसर आएगा। जो 1 से डिवाइड होता है तो उसका आंसर सेम ही आता है, ठीक है। अब हम आगे करेंगे क्वेश्चन नंबर बी सम नंबर 6। तो सम नंबर 6 है 3547 7 और 3 35477, ठीक है, डिवाइडेड बाय 6। तो सबसे पहले हम फर्स्ट डिजिट देखेंगे, तो फर्स्ट डिजिट है 6 से कम है, स्मॉल है, और 6 बिग है, 3 इससे स्मॉल है। तो हमें यहाँ पे 2 डिजिट को ध्यान में रख के डिवाइड करने का है। तो फर्स्ट एंड सेकंड क्या है 35, ठीक है। तो 35 को ध्यान में रख के हमें 6 का टेबल बोलने का है। तो 6 5 सा आएगा 36 हो जाएगा, इसीलिए हम करेंगे 6 5 35। तो 35 माइनस 30 तो क्या आया 5। 35 में से 30 माइनस करेंगे तो क्या रिमेन होगा 5। तो 5 हो गया, फिर इसके बाद आएगा 4। तो 4 को हमने नीचे ले लिया जैसे मैंने एरो करके दिखाया है, तो 54 हो गया, 5 का 54 हो गया, तो 6 9 54, तो 54 में से 4 जाएगा तो क्या आएगा 0, कुछ नहीं बचेगा। फिर ऊपर से लिया 7, तो 6 1 सा 6, ठीक है। तो 7 में से 6 माइनस करेंगे तो क्या रिमेन होगा, क्या हो क्या बचेगा 1। तो 1 ऊपर से लिया 7, तो 1 का हो गया 17, तो 6 2 सा 12, ठीक है, और 6 3 सा 18 हो जाएगा, इसीलिए 6 2 सा 12 करेंगे तो 17 में से 12 माइनस होगा तो क्या बचेगा 5। तो यहाँ मैंने आंसर लिख के दिखाया है कि क्वाड्रेंट इक्वल इक्वल 5912 और 5912 एंड रिमाइंडर इक्वल 5। तो ये हो गया हमारा सम नंबर 6 कंप्लीट। हम करेंगे सम नंबर 7 7 6 8 8, ठीक है, डिवाइडेड बाय 5। तो देखो यहाँ हम फर्स्ट फिगर देखेंगे तो 7 है 5 से ज़्यादा है, तो 5 करेंगे तो 7 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 2। ऊपर से लिया 6 तो 2 का हो गया 26, तो 5 5 25 करेंगे, 26 में से 25 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। तो ऊपर से लिया 8 तो 1 का हो गया 18, 3 5 15, तो 18 में से 15 माइनस होगा तो क्या आएगा 3। तो ऊपर से 8 अभी है वो भी नीचे ले लिया तो 38 हो गया,
थ्री का क्या हो गया 38 में से 35 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा नीचे रिमाइंडर 3। तो यहाँ पे आंसर आएगा 1537 कॉटन एंड आर रिमाइंडर 3। तो और 1537 भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। तो ये हो गया सम नंबर 7 कंप्लीट। यहाँ पे एक बात याद रखने की है कि जो फर्स्ट फिगर है वो बिग है कि स्मॉल है, तो जिससे हम डिवाइड करते हैं 5 से 6 से, तो वो बिग है तो 1 से चलेगा, लेकिन जो स्मॉल है तो 2 डिजिट को ध्यान में रख के हमें डिवाइड करने का है। तो फर्स्ट फिगर में, फर्स्ट सम में क्या था, 3 डिवाइड बाय 6 था, और 3 फर्स्ट फिगर फर्स्ट डिजिट था वो स्मॉल था, इसीलिए हमने 2 से किया, और सेकंड में 7 है वो 5 से बी गए, इसीलिए 1 से हमने डिवाइड किया। ठीक है, तो अब आगे करते हैं सम नंबर 8। 8 में है 81384। ठीक है, तो और ऐसा भी बोल सकते हो 81384। अभी हम उसे किससे डिवाइड करने का है, 8 से। 8 अंदर भी है, 8 बाहर भी है, 8 से डिवाइड करने का है, और फर्स्ट फिगर भी 8 है, तो हम किससे डिवाइड करेंगे, 8 1 8। ठीक है, तो 8 में से 8 जाएगा तो 0, और फिर लिया 1, और 1 हाँ 0 ऊपर से लिया 1, लेकिन 1 तो 8 से स्मॉल है तो हम उसे डिवाइड नहीं कर सकते, तो हमें क्या करने का है, ऊपर 1 है ना तो नहीं चलेगा, तो 0 रखने का है। पहले सबसे फर्स्ट में क्या करने का है, 0 रख के फिर दूसरा इसके 1 के आफ्टर का जो डिजिट है वो नीचे लेने का है। तो यहाँ के 1 के आफ्टर का डिजिट कौन सा है, 3 है, तो हमने 3 नीचे ले लिया, तो 1 का क्या हो गया 13, तो 18 टू जा तो 16 हो जाता है, तो वो 13 से ज़्यादा हो जाता है, तो हमें क्या करने का है, फिर 1 से ही डिवाइड करने का है। तो 13 माइनस 8 करेंगे तो 13 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा, 5। तो 5 बच गया, रिमाइंड हो गया है, तो 5 बच गया है, तो 13 में से 8 माइनस किया तो 5 आया, तो ऊपर से लिया 8, तो 5 का क्या हो गया, 58। ठीक है, तो 8 7 56, तो 58 में से 56 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 2। तो 2 है, अब ऊपर एक ही डिजिट बाकी रह गया है, वो है 4, तो हमने ऊपर से 4 ले लिया, तो 2 का हो गया 24, तो 8 3 24, तो 24 में से 24 माइनस किया तो क्या हो गया, 0। तो यहाँ पे हम वोटन क्या लिखेंगे, 10173, और 10173 ऐसे भी बोल सकते हो, और रिमाइंडर क्या बच गया, 0। तो ये हो गया सम नंबर 8 भी कंप्लीट, और आपको सब अंडरस्टैंड, आई होप यू अंडरस्टैंड 3 सम्स, उसके क्या रूल है, कैसे माइनस करने का है, कि जो सेम है तो 1 से हम, जैसे 8 सम है, 8 और 8 दोनों सेम है, फर्स्ट डिजिट और जिसके डिवाइड, तो 1 से ही स्टार्ट करने का है। जो बी के है तो भी 1 से कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट डिजिट है वो स्मॉल है, तो हमें फर्स्ट 2 डिजिट को ध्यान में रख के फिर डिवाइड करने का है, आगे बढ़ने का है। इस ऐसे ये सब रूल्स आप ध्यान में रखोगे तो आप इजीली ये सब सम्स कर सकोगे। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कैसे करने का है, ये डिवाइड आपके लिए नया है, लेकिन
समझ के करोगे तो सब आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको होमवर्क की नोट में और मैथ की नोट भी कंप्लीट करने की है। थैंक यू।